जाना था उनसे दूर बहाने की। कितनी बार कहा ये लिपस्टिक मत लगाया करो, ये रंग जो है मुझे अपनी बीवी की याद दिलाता है। ये ऑफिस किस लिए आता हूँ, बीवी को भूलने के लिए आता हूँ। भगवान के नाम पर दो बात सुन ले बाबा। दो हाथ खींच के दूरा भीख मांगते मांगते यहाँ मेरी ऑफिस में पहुँच गया। अरे भीख मांगने नहीं आया हूँ, काम है बाबा काम। काम क्या है तेरा, भीख मांगना? काम से आया यानी भीख मांग नहीं आया ना? अरे भगवान तुझ पे करम करे, तेरे बच्चे जिंदा रहे, तेरी बीवी सलामत रहे। बीवी की सलामती की बात मत करना, बददुआएं देता है। अबे मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी बीवी सलामत रहे। अगर वो सलामत रहेगी तो मैं सलामत नहीं रहूंगा। चल निकल सिरकुट, बाहर निकल। वॉचमैन वॉचमैन बहुत बोलता है। ये ले, ये है तेरी फीस, जेब में रख ले। सुन, काम यह है कि मेरे पास कुछ रुपए हैं और देश छोड़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि वो रुपए तू अपनी हिफाजत में रखे। अबे चिरकुट, तू रुपयों से ही भिखारी नहीं है, अकल से भी भिखारी है। 200-400 रुपए का चिल्लड़ क्या इकट्ठा कर लिया, उसकी हिफाजत करने के लिए 10,000 रुपए दे रहा है। ओहो, 200-400 रुपए नहीं है, 2 करोड़ है। 2 करोड़? अबे 2 करोड़ में कितने जीरो लगते हैं पता है तुझे? 7। 7 यूनिट, 10, 100,000, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। पढ़ा लिखा है क्या? अरे गरीब समझा है क्या? भिखारी हूँ भिखारी। 180 करोड़ रुपए का सालाना टर्नओवर है हमारा। 180 करोड़? हमारे ऑफिस का तो 50 लाख भी नहीं है। गरीब समझा है क्या? भिखारी हूँ भिखारी। चुप, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। देख ये मेरे रुपए हैं और ये गरीब सूट वाला इन्हें देखकर बेहोश हो गया। रुपए पैसे जी? सर जी, सर आप खड़े क्यों हैं? आप बैठिए, आप यहाँ पे बैठिए। हाँ बैठिए, हम आपके पैसों की हिफाजत करेंगे, आप चिंता ना करें, हम आपके पैसों की हिफाजत करेंगे। ये इस भिखारी का रुपया है? इज्जत से बोल, इज्जत से बोल। सर भिखारी बोल, ये भिखारी, ये भिखारी नहीं, सर भिखारी बोल। अच्छा है, कोल्ड ड्रिंक ले आ जल्दी से। सर आप कोल्ड ड्रिंक किसी और से मंगा लो। क्यों? मैंने कैटरिंग का बिजनेस बंद कर दिया है। क्या करेगा? आज से मैं अपने बीवी बच्चों को साथ में लेकर मंदिर मस्जिद के बाहर बैठ कर भीख मांगूंगा। अरे दे दे, दे दे, अल्लाह के नाम से दे दे। अरे भगवान तुझ पे करम करे, ये ले इसे संभाल कर रख। ये रही तेरी टिप। सर जी मैं बीड़ी नहीं पी। अरे बीड़ी नहीं है, ध्यान से देख क्या है। 500 रुपए का नोट। ये यही है। आराम से, आराम से। हाँ जी सर जी। भिखारी हूँ भिखारी। अरे जा जा जा, अरे संभाल ला भैया। पूरी आज जाके अगर अगर ये रिसर्च पहले हो चुकी होती कि भिखारी लोग इतने पैसे बनाते हैं तो मैंने जो है भिखारियों का इंस्टीट्यूट खोल दिया होता, पूरे हिंदुस्तान में अपने भिखारी फैला देता और इतने पैसे कमाता, इतने पैसे कमाता। हैंड्स ऑफ, हिलना मत और भागने की कोशिश मत करना। अब कौन है बेतू चिरकुट जो बिना गन के मेरे हैंड्स ऑफ करवा रहा है? कौन है तू? मुझे पता लगा है कि यहाँ बहुत पैसे हैं। अच्छा तो तुम्हारी नजर पैसों पर है? हाँ। ये पैसे मेरी हिफाजत में है, थोड़ी देर में मेरी हिफाजत में हो जाएंगे। अरे मैं अपनी जान भी दे दूंगा। और मैं ले लूंगा। अरे? और मेरे काम में रुकावट डाली तो गिरफ्तार भी करवा दूंगा। ओ तो तुम्हारी पहचान जो है वो पुलिस तक की है। क्या करें, हमारा काम ही ऐसा है, पुलिस को भी साथ रखना पड़ता है। ओ आज तक सिर्फ सुना था लेकिन आज देख भी लिया कि पुलिस जो है तुम जैसे लोगों का साथ देती है। गुंडे के? कौन गुंडा? तू गुंडा है। मैं? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मैं गुंडा नहीं हूँ। हर गुंडा यही कहता है कि मैं गुंडा नहीं हूँ, जब माल लेकर भाग जाता है तब पता चलता है कि वो एक नंबर का गुंडा है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मैं गुंडा नहीं हूँ। अच्छा तो फिर इन 2 करोड़ रुपयों के लिए क्यों आए हो? 2 करोड़ रुपए? छूना भी मत, छूना भी मत। तुम्हें क्या मतलब है इससे? अरे मुझे इसी से ही मतलब है। क्यों? क्योंकि मैं एक इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ और तुम इन 2 करोड़ का हिसाब देने के लिए तैयार हो जाओ। आप इनकम टैक्स ऑफिसर है? आप इनकम टैक्स ऑफिसर है? आप इनकम टैक्स ऑफिसर? कमाल है, जब तक मैं गुंडा लग रहा था तुम मुझसे डर नहीं रहते और जब ये पता लगा कि मैं इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ तो
अब इनकम टैक्स ऑफिसर नहीं है, आप वो सुतली बॉम है जिसके धमाके को सुनते ही लोग भागने लगते हैं, नेता अभिनेता भागा भाग कर देते हैं। सब लोग नहीं भागते, बस वही भागते हैं जो इनकम टैक्स की चोरी करते हैं। मैंने इनकम टैक्स की कोई चोरी नहीं की सर, मैं अपनी नींद भी नहीं चुरा सकता तो इनकम टैक्स की चोरी कैसे कर सकता। ये पैसे मेरे नहीं है। अच्छा, तो किसके? भिखारी के। भिखारी के? कैसे समझाऊं उसे? अब चलिए, मैं सचमुच कह रहा हूँ, अपनी रोजी की कांटा कसम, किसी भी कसम खाने के लिए तैयार हूँ। आप मेरे साथ चलिए, मैं साबित करके बताता हूँ ये पैसे मेरे नहीं है, ये कहीं घूम रहा होगा। चलिए चलिए, आप चलिए, आप मेरे साथ चलिए। अच्छा, अरे भैया सुनो, अरे ईश्वर तुम्हें बरकत दे। अरे तुम तो फिर टिफिन विफिन लेके आ गए, तुम जो भिखारी बनने गए थे। बीबी ने मना कर दिया। क्यों? कहती है मेहनत की कमाई खाएंगे। ओहो, तो ये भीख मांगना मेहनत का काम नहीं है? अरे दिन भर कड़ी धूप में नंगे पांव लोगों के लिए दुआएं मांगना कितनी मेहनत का काम है? उस बेवकूफ को कौन समझे? ऐसा है, जिंदगी की डीवीडी में जब बीबी की एमपी3 घुस जाती है तो 180 गाने सुनने पड़ते हैं और जिंदगी हो जाती है टू। यदि तो हो गई, अगले जन्म में ध्यान रखना, और इस जन्म में नसीब नहीं है तुम्हारा कि तुम भिखारी बनो। यार चलो चलो, कोल्ड ड्रिंक लाओ। अरे पर चेंज। हाँ, कीप द चेंज, एक नई एमपी3 खरीद लो। 15 रुपए के कोल्ड ड्रिंक पर 85 रुपए का टिप। अरे मुझे भी भिखारी बनना है, मुझे भी। ये नया MP3 कहाँ मिलेगा? अरे नया MP3। आजकल बीमारी अमीरों वाली होने लगी है, गैस बनती है। ये रहा सर, ये रहा। अरे कहाँ हो भाई, पूरी ऑफिस छान मारी, तुम कहीं दिखाई नहीं दिए। एक जगह पे, एक ठिकाने पे बैठे रहना चाहिए ना। अरे एक जगह बैठने की आदत नहीं है। अच्छा, ये वही है जिन्होंने 2 करोड़ रुपए ला के मुझे दिए थे। वो रुपए तुम्हारे? नहीं। अबे क्या नहीं बोल रहा है यार, मैं सच सच बता दे, वरना वो समझेंगे कि वो 2 करोड़ रुपए मेरे हैं। अरे जब 2 करोड़ मेरे हैं ही नहीं तो मैं कहां से कह दूंगी मेरे हैं? अरे क्या नहीं है तेरे, झूठ मत बोल, सच सच बता दे, बोल वो पैसे तेरे हैं, बोल। देखा साहब, अरे 2 करोड़ रुपए क्या, मैंने चिल्लर भी नहीं देखी है साहब। अगर मेरा कटोरा भर दे चिल्लर से तो 600-700 रुपए से ज्यादा नहीं होंगे। झूठ बोल रहा है, 180 करोड़ रुपए का टर्नओवर है इनका। अरे 180 खोखे कहां से लाऊंगा मैं? खोखे नहीं, करोड़ रुपए। 1 करोड़ में 1 खोखा होता है। बस बस बस, सब क्लियर हो गया है। एक गरीब आदमी के पास इतना बड़ा घर नहीं होता कि उसके अंदर वो 180 खोखे रख सके। ये पैसे तुम्हारे हैं, तुम मुझे बहकाने की कोशिश कर रहे हो। नहीं सर, मैं ऐसा क्यों करने लगा? वल्ला मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा, ये पैसे तुम्हारे, कल तुम्हारे घर पे भी रेट पड़ेगी, पता बताओ अपना। बता। काली घाटी शैतान गली भूत बंगले की टूटी दीवार के पास दूसरा पाइप। तुम कब्रिस्तान में रहता है क्या? अरे साहब हम भिखारी हैं, हम पाइप में रहते हैं, यही हमारा पता होता है। तो पोस्टमैन क्या सुसाइड करने के बाद तुम्हारे घर पे आता है? एक मिनट, मैंने इस भिखारी का नहीं आपका पता पूछा है, आपका। ठीक है बता। काली घाटी शैतान गली भूत बंगले की टूटी दीवार के पास दूसरा पाइप। ये तो तेरा पता है, आपका पता बताइए। ये दूसरी पाइप में, मैं तीसरी पाइप में। अरे तीसरी पाइप में पागल रहता है। किसने पूछा तुझे? किसी ने तुझे पूछा? ये तो खाली इनको लिखवाने के लिए, सही पता कोई ठीक है। मत बताइए, पुलिस मार मार के आपके तीनों पुश्तों का एड्रेस ऐसे ही निकलवा लेगी। इस पे मेरे सारे पते हैं। हाय हाय, उफ वाह, क्या बात है सर जी, आज वर्दी बड़ी ढीली ढाली सी लग रही है। वर्दी ढीली नहीं है पांडु, मैं ढीला हो गया हूँ। क्या हुआ? बुखार हो गया है। रंगा कहाँ है? उसे सर्दी हो गई थी, वो आज नहीं आया। उसको सर्दी और वो छुट्टी पर, मुझे बुखार और मैं ड्यूटी पर, ये बात सही थी पांडु, मैं हर बार ये। सर जी धीरे बोलिए, हम यहाँ पे सीक्रेट मिशन पे है। आई नो एवरीथिंग, चलो काट के साहब को ढूंढते हैं। कानून पे हमला, कानून पे हमला। आपके कानून ने मुझे सीटी बजा के छेड़ा है,
सर जी, मैं तो सिर्फ बुला रहा था। मेरा नाम राधा है और अगर फिर सिटी बजा कर बुलाया तो फिर मारूंगी। कानून को धमकी? ये धमकी नहीं है, मुझे सीटियों से सख्त नफरत है। मेरी बिल्डिंग का तो वॉचमैन तक रात में सीटी नहीं बजाता है। आपके घर में कुकर तो नहीं होगा? चावल कैसे पकाती हो? तपेली में। एक मिनट राधा जी, देखिए हमें आपकी मदद की जरूरत है। हम यहाँ पे एक सीक्रेट मिशन पे हैं। आप पुलिस वाले हमेशा सी ग्रेड मिशन पे क्यों जाते हो? कभी तो ए ग्रेड मिशन पे जाया करो। अरे सी ग्रेड नहीं, सीक्रेट। सीक्रेट? क्या सीक्रेट? बता ही दिया तो सीक्रेट क्या रहा? अगर नहीं बताओगे तो मैं आपकी मदद कैसे करूंगी? पॉइंट है, बात पे पॉइंट है, पॉइंट है। देखिए मिशन ये है कि आपके बॉस है ना, वो काटकर साहब। लो, इसमें सीक्रेट क्या है? ये सब जानते हैं कि हमारी सैलरी के चेक वही साइन करते हैं। अरे यार बात तो पूरी होने दो तुम। अच्छा बोलो, तुम्हारे बॉस ने काटकर साहब, उसमें कुछ आपको अजीब सा नजर नहीं आता? उनमें तो हर चीज ही अजीब है। सर जी, इन तिलों में तेल नहीं है। या आई नो एवरीथिंग, चलो हमें ही कुछ करना पड़ेगा। कम अजीब लोग हैं, इतना टाइम भी खराब किया, ये भी नहीं बताया कि सीक्रेट क्या है। जी, ये लीजिए। मुझे दो ये बामना, मैं सर को लगाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई क्रीम वीम लगानी नहीं है सर पे। अरे मामा जी ये क्रीम नहीं है, वो रोमा जी के स्वामी जी का आश्रम का बाम है, बाम सर दर्द ठीक हो जाएगा। अरे मुझे सर दर्द नहीं है, मुझे टेंशन है, टेंशन। कमाल की बात करते हैं सर, प्राइवेट जॉब में पेंशन कहाँ से मिलेगी? क्या बात है? खत्म कर देता हूँ ना एक बार, जड़ से प्रॉब्लम को ही खत्म कर देता हूँ। क्या सर, क्या प्रॉब्लम है? आप ऐसे पागलों की तरह क्यों बर्ताव कर रहे हैं? अरे कल आप लोग एक केस सॉल्व करने गए थे, एक भिखारी आया था, 2 करोड़ रुपए देकर चला गया। रीमा, मामा जी पागलों की तरह नहीं कर रहे, पागल हो गए। 2 करोड़ लेके भिखारी आया ऐसा बोल रहे क्या मामा जी? अरे यही तो मुसीबत है, वो यार इनकम टैक्स वाला भी मानने को तैयार नहीं कि वो 2 करोड़ रुपए मेरे नहीं है। कल घर पे रेड डालेगा और मेरे सारे ब्लैक के पैसे उठा कर ले जाएगा। कोई मानने को तैयार नहीं है कि वो 2 करोड़ रुपए मेरे नहीं है। लेकिन मैं मानने को तैयार हूँ। अच्छा वो सेठ जवेरी लाल के, अच्छा जो कल सिग्नल पर से उसकी गाड़ी में से चोरी हो गए थे और उसे आपने चुराए हैं? नहीं, देखो मुझे 103 डिग्री बुखार है, भागने की कोशिश मत करना और चुपचाप से अरेस्ट हो जाओ। पांडुरंगा, पांडू रंगा कान। सर जी उसे जुकाम हो गया, वो घर पे गया है। घर पे आपने यहाँ बुखार में? देखो इंस्पेक्टर साहब, मैं गाड़ी में बैठकर सीधे निकल जाता हूँ, किसी भी सिग्नल पे नहीं रुकता हूँ, फिर मैं चोरी कैसे कर सकता हूँ? यानी कि सिग्नल भी तोड़ते हो? पांडू गिरफ्तार कर लो इनको और ये चालान भी लगा दो। अरे मेरी बात तो सुनो, मैं सिग्नल पे क्यों जाने लगा? मैं भिखारी थोड़ी ना हूँ। चलो, चलो, चलो। मैंने चोरी से, चलो छोड़ दो। सर के लिए कुछ करना चाहिए यार। हाँ दुआ करते हैं। हाँ अजय जी नहीं, पांडू पांडू भैया तुम्हारे सर हर रोज इतना ही मारते हैं? नहीं नहीं, बस जिस दिन अपनी बीवी से पिट कर आते हैं ना उसी दिन। लगता है आज बहुत ज्यादा पिटे हैं। हाँ आज कुछ ज्यादा ही पिटे लगते हैं। जी सर जी, आप भी अगर ये अपना जुर्म कबूल ना करे सर की बॉडी पे शहद लगा देना। ठीक है सर जी। शरीर पे शहद लगाने से क्या होता है सर? कुछ नहीं, हमारी मेहनत कम हो जाती है। अंदर लॉकअप में इतनी बड़ी बड़ी लाल लाल चीटियां हैं, आदमखोर। लाल लाल आदमखोर चीटियां? वो क्या आदमी को पूरा खा जाती है? नहीं पूरा नहीं खाती है, थोड़ा बहुत खाती है, उसके बाद आदमी अपने आप ही कबूल कर लेता है। खाते ही कबूल कर लेंगे। चीटियों को भगाने के लिए फिर क्या करते हो सर? हम कुछ नहीं करते, बस आदमी के माथे पे पर्ची लगा देते हैं, ये शहद नहीं है, उसे पर्ची चली जाती है। वाकई चीटियां आदमखोर हैं। पांडू चल पहले डिनर कर लेते हैं।
उसके बाद इसको देखते हैं। ठीक है सर जी, डिनर करने से ना बॉडी में ताकत आ जाएगी। सर जी सर, आज आप रात को घर नहीं जाएंगे? आज बीवी से झगड़ा हुआ है, रात को हम दोनों यही रुकने वाले हैं। चलो पांडू। चलो सर जी। बीवी से झगड़ा हुआ है। ए चिरकुट, क्या बोला रे? कुछ नहीं भाई साहब, बहुत मार पड़ी, बहुत दर्द हो रहा होगा नहीं आपको? अबे तबलीग तेरा बजा ढाला बाप, दर्द नहीं तो क्या होगा? भाई साहब सचमुच जोर से मारते हैं या मारने से पहले ही आप आवाज करना शुरू कर देते हैं? अबे खजूर, कोई सर्कस के जोकर थोड़ी ना है जो आवाज करेंगे। जब ये मारते हैं ना, शरीर की एक एक हड्डियां आवाज करती है। वैसे क्या 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 किया है आपने? चोरी। वो तो ठीक है, लेकिन काहे की? अबे खजूर, कोई वड़ा पाव चुराने के लिए थोड़ी ना मारेंगे। लाख रुपए की चोरी किया था, लाख रुपए की। लाख रुपए की चोरी के लिए इतना मार, 2 करोड़ के लिए कितना मार पड़ेगा? ए भगवान। देखो, हम तुम्हें ऐसे ही मारते रहेंगे जब तक तुम अपना गुनाह कबूल नहीं कर लेते, और अभी तो रोमा का मारना भी बाकी है। अरे लेकिन रीमा, हम इसे कबूल क्या करवा रहे हैं? यही कि वो जो 2 करोड़ रुपए है ना, वो इसी ने चुराए हैं। तो ये बात मुझे क्यों पहले नहीं पता थी? क्योंकि वो बात होने के बाद तुमने अपने हियरिंग एड लगाए थे। और अब इसे लगा के रखिएगा। और एक बात तुम भी ध्यान से सुन लो, इससे पहले हम लोग पुलिस में भर्ती होना चाह रहे थे। इतना मारेंगे कि पिट पिट के तुम थक जाओगे, लेकिन मार मार के हम लोग नहीं थकेंगे। और मान लीजिए कि अगर हम थक भी गए तो रोमा जी आएंगे और आपको कुत्ते की तरह मारेंगे। भगवान, तुम्हारे ऊपर रोमी चले। एक मिनट, मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो, चोरी मैंने की है। चोरी? कबूल कर लिया क्या? बताइए, किसने गुनाह कबूल कर लिया है? गुनाह कबूल कर लिया है तो तुम लोगों को बताना चाहिए ना, मैं कब से ऐसे मार मार कर रहा हूँ। अरे लेकिन इसने गुनाह कबूल किया कैसे? ये तो कुछ बोला ही नहीं है। बोला होगा। हाँ, तो तुम कबूल करते हो कि 2 करोड़ रुपए तुमने चुराए? जी हाँ। इतना ही नहीं, 1857 में अंग्रेजों की छावनी से जो गोलियां चोरी हुई थी ना, वो मंगल पांडे ने नहीं चुराई थी, मैंने चुराई थी, मैंने। अच्छा, बस मारना मत, मारना मत, मुझे मारना मत। इतने बात पे साइन तो अभी। असली मुजरिम ये हैं। थैंक यू मेरे बच्चों, थैंक यू, तुम लोगों ने मुझे बचा लिया। आई नो एवरीथिंग। असली मुजरिम ये है। नहीं नहीं नहीं, इन लोगों ने मुझे मार मार कर ये बोलने पर मजबूर किया है। अरे ये तो साफ मुकर गया यार। एक चिरकुट। अब मामा जी आप टेंशन नहीं ना लीजिए, 2 तमाचे पड़े ना, अभी कबूल करेगा। पर छोड़ दो, मैं स्वस्थ रखे। देखो तुम लोग मुझे मार नहीं सकते, ये पुलिस स्टेशन है। हाँ, यहाँ पे 3rd degree यूज नहीं कर सकते। मतलब ठीक है ना, आप नहीं दे सकते, हम तो दे सकते हैं। हम पुलिस वाले नहीं है ना। हाँ, तुम कर सकते, तुम कर। आपका थोड़ा सा और सत्कार करते मारो। भगवान तुम्हें कमिश्नर बनाए। देखो ये लोग तुम्हारे सामने मुझे मार रहे हो, तुम देख रहे हो। भैया हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कानून जो होता है अंधा होता है। नहीं दिखाई दे रहा। अरे तो बहरा तो नहीं होता, मेरी चीख है तो सुनो। अंधा है, अंधा है, कानून अंधा है। दे दे दे। एक मिनट, मैं मानता हूँ कि मैंने चोरी की है, और मैं ये भी मानता हूँ कि मेरा एक गैंग है जो लोगों को सिग्नल पे भिखारी बनकर लूटता है। आई नो एवरीथिंग, मुझे तो इससे पहले से ही शक था। तो फिर मुझे इतना परेशान क्यों किया मुझे? क्या है ना, एक ऑप्शन रखना पड़ता है ना। अभी कल को ये नहीं पकड़ा जाता तो हमें तो हमारी फाइल मेंटेन करनी पड़ती है ना। लो बोल। सब डूबे मझधारे, एक हंसी की नाव मिले तो सुख के मिले किनारे। खाने को धोके ही धोके।
खाने को धोके ही धोके पीने को गम है ना, ऐसे में बस आओ का।